जैसे कोरोना आया सबका सेवा इसके लिए पूरा समर्पित करे वो जैसा दुर्गा मल्ला जैसा मनाने के लिए हम लोग आया हम लोग भी देश शुभ नाम नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं भानुभक्त समिति वीर जवान के समक्ष में। वीर जवान का आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये प्रतिमा है दुर्गा मल्ला जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और स्वतंत्र सेनानियों का। तो इन्हीं का आज जन्म दिवस के उपलक्ष में हम यहाँ पे उपस्थित होकर के आइए यहाँ के तमाम पदाधिकारियों से आपको रूबरू करवा के चीज़ों को और स्पष्ट बताते हैं कि आज क्या है और कैसे है। जुड़े रहे हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बीबीसी 24x7 में मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। तो आज दुर्गा मल्ला जी के पावन जन्म दिवस के विषय में आप क्या हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे बताइए, थोड़ा अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, बीबीसी न्यूज को और ग्लोबली न्यूज को मेरा प्रणाम। आप आए हमारा ये जवान में गोरखा का जो भारत का महान नेता स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा मल्ला जी का आज जन्मदिन है। 111वां जन्मदिन हम लोग पालन कर रहे हैं। वहाँ का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1913 में, देहरादून में जन्म हुआ था। उनका बाबा का नाम था गंगाराम छेत्री मल्ला, माँ का नाम है पार्वती देवी छेत्री और उनका श्रीमती का पत्नी का नाम है पार्वती मल्ल। वहाँ का जन्म 1 जुलाई 1913 में हुआ था। आज हम लोग 111वां जन्मदिन पालन कर रहे हैं। भानुभक्त समिति ये शालिक जो दुर्ग आप देख रहे हैं वह दुर्गा मल्ला और हम लोग के नेताजी सुभाष चंद्र का जो शालिक हम लोग 2019 में स्थापित किया हुआ है, इसका आगे हम लोग का वीर जवान था जो 1999 साल में हम लोग स्थापित किया है। और ये हम लोग का अब नेताजी का और मेजर दुर्गा मल्ला का 500 साल होने जा रहा है जो स्थापित हुआ है। और हम लोग का जो वीर जवान 24 वर्ष ये 2023 में और 2024 में 25 साल होगा, उसमें हम लोग भव्य रूप से रजत जयंती हम लोग पालन करेंगे। लेकिन आज का दिन 111वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग भानुभक्त समिति का तत्वाधान में हम लोग मेडिकल कैंप कर रहा है। आज शुरू हो गया हम लोग का भवन में हम लोग का सुरक्षा सेंटर जो मेडिकल सेंटर है वो लोग ग्रुप कोली लोग आया है, वो लोग जांच कर रहा है। वो लोग हम लोग ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, लीवर टेस्ट हम लोग फ्री कर रहा है। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य है हम लोग का जो बलिदान दिया, जो दुर्गा मल्ला का जुआ का बलिदान दिया हुआ हम लोग का भारत का पहले शहीद हम लोग का जो स्वतंत्रता सेनानी मेजर दुर्गा मल्ला जो 25 अगस्त को वहाँ को फांसी दिया था, तो उस दिन हम लोग 25 अगस्त को भव्य रूप से बलिदान हम लोग पालन करते हैं। तो इस बार भी हम लोग भव्य रूप से हम लोग पालन करेंगे। हम लोग उस दिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप जो बलिदान दिया उसमें वहाँ इतना बलिदान दिया भारत के स्वतंत्र के लिए, वहाँ का भी बहुत योगदान है जो भारत स्वतंत्र हुआ था। वहाँ का भी बहुत वहाँ का देन है। ऐसे समय में आप देशवासी और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे सर हम देखिए ऐसा आदमी बहुत कम होता है जन्म होता है जो वहाँ दुर्गा मल्ला जी जो हम लोग का नेपाली समाज में जो पैदा हुआ है, नेपाली समाज में कहीं नहीं है, भारत का ही लड़का है, भारत का पुत्र है। उनको हम लोग गर्व करना चाहिए। नेपाली गोरखा लोग खाली नहीं, सब भाषाभाषी जितने भी भारत का भाषाभाषी है, जैसे हम लोग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ के देश के लिए फ्रीडम फाइटर, वहाँ एकदम पहले हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी था, पहले प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी था हम लोग सुभाष चंद्र बोस। वहाँ जैसा सुभाष चंद्र बोस जैसा, दुर्गा मल्ला जैसा, हम लोग का महात्मा गांधी जैसा आदमी हम लोग और पैदा हो, हम ये चाहते हैं। ये जितना भी आज हम लोग पालन कर रहे हैं ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में संपूर्ण हम लोग का खाली गोरखा खाली नहीं, संपूर्ण हमारे भारतवर्ष का छोड़ के विश्वभरी का जितने ये भाषाभाषी को हम लोग शुभकामना देते हैं आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बोलना चाहता आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है कृष्ण लामा है, मैं भानुभक्त समिति का सचिव हूँ। प्रत्येक वर्ष ये जो हम लोग का वीर जवान किया है भानुभक्त समिति किया जो सिलीगुड़ी जैसे जगह में ये भी एक तो आदमी आता है ये भी हिट जैसा है सब देखता है अभी। हाँ, सिलीगुड़ी में बहुत खाली तो है, खाली कवि का
कभी नीचली का खाली होता है, लेकिन ऐसा फ्रीडम फाइटर का बहुत काम है। तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो जो तीन ठो किया है, एक तो 24 साल हो गया और दो ठो हम लोग का 5 साल होने जा रहा है। ये इसके साथ में आपको लोग हम सुरक्षा देना चाहिए, जितना भी सिलीगुड़ी का साहित्यिक प्रेमी, सांस्कृतिक प्रेमी, जितना भी भाषाभाषी है, सबको हम सुरक्षा करना देना चाहिए। आपका परिचय देते हुए। मेरा नाम है किशोर लामा जी, मैं रामगढ़ के समिति का एक मेम्बर हूँ। आज हमारा पूजनीय श्री दुर्गामल स्वर्गीय दुर्गा मल्ला जी का जन्म जयंती, ये हम लोग का गर्व की बात है। हमारे भारत देश के लिए जो आजाद के लिए जो फाइट किए सब सेनानी लोग जो हमारे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़े हुए हैं, जो हमारा भी वर्ग के जाति लोग समान स्वतंत्र के लिए आग में उलट गए हैं, यही हम लोग उनको भारत देश के लिए पूरा समर्पित किया है। अभी का जनरेशन को भी यही बोलना मेरा संदेश है कि दुर्गा मल्ला जैसा देश के लिए पूरा समर्पित करे, ताकि हमारा देश को कोई बाहरी शक्ति से आक्रमण न करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सिलीगुड़ी में जो भानुभक्त समिति है, यही बहुत बड़ी पुराना संस्था है। यही संस्था खाली पूजा पाठ नहीं, हर प्रकार के सहयोग करते हैं। जैसे भूकंप आया, जैसे कोरोना आया, सबका सेवा किया। कोई भी दुर्घटना होती है, बहुत बंगाल नेपाल कच्चे भी लोग आगे बढ़ के हमारे विशेष कृष्ण लामा भी हैं यहाँ के महासचिव और सभी सदस्यगण हैं, उन सब मिलकर के हर कार्य पर आगे बढ़ते हैं। जैसे निःशुल्क सेवा में, जैसे आप दफ्तर चेकिंग हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे काम लोग करते हैं। हर दुख में, हर सुख में भानुभक्त समिति कोई जाति और कोई पाति नहीं, हर संप्रदाय, हर जाति, हर संप्रदाय को एक साथ लेकर के लोग सब दुखों का निवारण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको शुभकामना है। ग्लोबल मूल जाते और बीबीसी न्यूज को शुभकामना देते हुए हम सभी भानुभक्त समिति के जितनी भी संघ संस्था के हमारे सदस्यजन हैं, सभी द्वारा सभी को शुभकामना। सभी सुखी रहे, दीर्घायु रहे, आरोग्य रहे। अब आने वाला दिन भगवान शंकर जी का दिन आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, पुरुषोत्तम मास है। इस बार 2 सावन है, बहुत शुभ माना गया है। 2 सावन भगवान शंकर का पूजन होगा, फिर गणेश जी का पूजन आरंभ होगा, उत्सव का आवाहन होगा, फिर दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा से हमारे हिंदुत्व को भी रक्षा किया जाएगा। कि भानुभक्त समिति हर कार्य में आगे बढ़ते हैं। सभी को शुभेच्छा शुभकामना। जय हो, जय हो, जय हो। अनुसंगा कमिटी का मेम्बर हूँ और मेरा नाम रीता रानी की खत्री है। आज दुर्गा मल्ला का जन्मदिन है, वो मनाने के लिए हम लोग आया। हम लोग भी इस उनको फॉलो करना चाहिए, देश को कैसे करके रखना चाहिए, देश का बचाना है हम लोग, ये देश में रहना है, इसलिए हम लोग ये दुर्गा मल्ला जी का फॉलो करना चाहिए। मैं पंकज, तो आज के दिन में दुर्गा मल्ला जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप समाज और देशवासियों को क्या संदेश देंगे, अपना परिचय देते हुए बताइए। वैसे तो मैं सिलगुड़ी का रहने वाला हूँ, मैं समाज सेवी पूरन कुमार गोहा। विशेष जो आज हम 75वां वर्ष देश स्वाधीनता का जो इंजॉय हम लोग कर रहा है, इसमें देश का स्वतंत्र संग्राम में भारत स्वाधीनता के लिए महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके बहुत देश का वीर वीरांगना का बहुत योगदान का त्याग बलिदान का संग्राम से हम लोग को ये प्राप्त हुआ। इसी संग्राम में हमारा भारतीय गोरखा दुर्गा मल्ला, मेजर दुर्गा मल्ला और बहुत बहुत है आज़ाद हिंदू फौज का संग्रामी है, कांग्रेस का संग्रामी है,
जैसा जन्मवीर सापकोटा, जैसा दिग्विजय सिंह रामूदामू, जैसा दलवीर सिंह लोहा, बहुत बहुत सारे संग्रामी है, स्वतंत्र सेनानी है। इसी तरह मेजर दुर्गा मल्ल भी एक हमारा स्वतंत्र संग्रामी है, स्वतंत्र सेनानी है। उनका आज जन्मदिन है, उनका स्मरण में आज हमारा भानु सिलगुड़ी भानुभक्त समिति का तरफ से एक कार्यक्रम आयोजन किया है। ये संदेश हमको संपूर्ण भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व को ये देना है, जानना है। इसीलिए मैं यही बात बोलता हूँ, अभी 75वां साल हमारा स्वाधीनता इंजॉय कर रहा हूँ। आज जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान तैयार किया, इसका आदर्श हम लोग अभी जो स्वाधीनता स्वतंत्रता इंजॉय कर रहा हूँ, ये सब इन लोगों जैसा दुर्गा मल्ल जी जैसा और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जैसा इन लोगों का त्याग बलिदान का कारण से हम लोग को ये मिला। हम लोग का सब भारतीय सब का तरफ से इन लोगों को नमन करता हूँ, इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।